खरगोन में आज 16 मरीजों की और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 16 संक्रमितों में से ग्राम भगियापुर एक ही परिवार के 12 कोरोना संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि खरगोन में संविदा पदस्थ मेल नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब एक साथ परिवार के 12 सदस्य संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड में सैंपल कलेक्शन करने वाले मेल नर्स की छुट्टी में घर पर रहने के बाद संक्रमण फैला है। बड़ी लापरवाही के कारण फैले संक्रमण से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों से संपर्क में आने वाले लोगों का सैंपल ले रही है। संक्रमित मरीजों की हिस्ट्री पता लगाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में खरगोन जिले में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज का विस्फोट होने से हड़कंप मच गया है। शनिवार को खरगोन में कलेक्टर के सास ससुर और उनके निवास पर कार्यरत महिला कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शनिवार को 12 मरीज की आई रिपोर्ट में पूर्व CMHO डॉक्टर रमेश नेमा भी पॉजिटिव थे। हालांकि कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट और उनकी पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। कलेक्टर डाट खुद ही होम क्वारंटाइन हो गए। कलेक्टर निवास कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कोविड के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर दिव्य शर्मा ने बताया कि 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद अब 365 से बढ़कर जिले में 372 मरीज कोरोना संक्रमित हो गए। अब तक 15 मरीजों की मौत हुई है। जिले में अब 70 मरीज एक्टिव है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट है सर अभी और पॉजिटिव आई है, कितनी रिपोर्ट और कहाँ से? रात को 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 12 भिजापुर के हैं, 2 खरगोन के हैं, 1 बमनाला का है और 1 बड़वाह का है। तो ऐसे टोटल अपने केस हो गए हैं 372। 15 की डेट है और 287 रिकॉर्ड हो गए हैं। सर ये एक ही परिवार के जो 12 हैं ये स्वास्थ्य कर्मी के परिजन बताया जा रहे हैं? ये पूरी डिटेल जानकारी आज ले रहे हैं। टीम गई वहाँ, उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं। 6 लोगों को शिफ्ट कर दिया, बाकी 6 लोगों को शिफ्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।